नेपाल में जैसे कि बताया गया है 200 और जाते जा रहे हैं नीचे, तो बढ़ती रही आबादी, वो दिन दूर नहीं जनता मरेगी जल के अकाल में। वास्तव श्री कार्बन संस्था का अध्यक्ष हूँ। सर आज यहाँ स्थानीय राष्ट्र क्लब में जो है वर्ल्ड वाटर डे को लेकर के आज प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं? आप देखिए, जल की जो कमी होती जा रही है विश्व स्तर पर, देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि आपस में मिल बात करके यह तय करें कि हमें क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। तो ये आज का दिन जो है ये एक संकल्प दिवस के रूप में स्मरण दिलाने के लिए आता है कि हम क्या करें कि पानी को संरक्षित कर सकें और आने वाली पीढ़ियों को भी पानी मिले और साथ में हमें भी आगे मिलता रहे। पानी सेविंग के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है, कहाँ कहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, या कब शुरुआत करेंगे? देखिए, हम लोग पब्लिक अवेयरनेस करते हैं कि पानी को जो है आप कम खर्च करें, जहाँ आवश्यक हो वहीं खर्च करें, उसकी क्षति को बचाएं और उसको प्रदूषित होने से बचाएं, क्योंकि पानी जहाँ कम होता जा रहा है वहीं जो पानी उपलब्ध है वो दूषित होता जा रहा है। सर आजकल एक समस्या, तो सरकार को ही जो है, सरकार से हम लोगों ने मांग भी की है कि उसके बारे में पूरी जो है ठोस कानून बनाएं और इस पर नियंत्रण रखें कि कहाँ पर जो है वो बोरिंग अलाउ होना चाहिए, कहाँ अलाउ नहीं होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करें और इस पर जो है इसको बहुत कड़ी तरीके से इस पर अमल करें। में आ जाए तो हम ऊर्जा का कम भोग करेंगे, पानी का कम भोग करेंगे, जब कम हम भोग करेंगे तो कम आवश्यकताएं होंगी, कम डिमांड होगा। तो सरकार के माध्यम से आम जनता से लेकर बुद्धिजीवी तक सिर्फ इस बात का मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, अपनी हवस की पूर्ति, तो डेफिनेटली हम अपना केवल अपनी पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म तय करेंगे और उन्हें अपना एक भविष्य।